से देख लो इसको, क्योंकि ये आई है $475 की। कल का दिन तो पूछो मत भी कैसे निकला, मतलब ऐसे निकला जैसे हम ना बैटरी पे चलते हैं। पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ले सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? ओ पार आ गए हैं, ठीक है। तो हम आ गए थे यार्ड में रात को 4:30 बजे, पाल सो रहे थे तो इसलिए फिर मैंने सारा कुछ ड्रॉप करके इधर ट्रक पार्क कर लिया और अभी सारा सामान ऑलमोस्ट रेडी है। पाल के लिए मैंने एग कुक कर दिए, सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। सामान सारा पैक है, पाल जी गाड़ी लेने गए थे और वो गाड़ी लेके आ चुके हैं, तो सामान रखेंगे फिर थोड़ी सी सफाई करेंगे। आज हमने जाना है टायर चेंज करवाने, तो उसकी भी अपॉइंटमेंट है। सर्दियां आ गई हैं तो ऑल वेदर टायर लिए हैं इस बार हमने, इंस्टेड की हम समर टायर्स लें और विंटर टायर्स लें, क्योंकि बहुत स्पेस कवर करते हैं यार वो, तो वो दिखाते हैं। तो ट्रक लग गया है रीजन पे। ये एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होता है, जब डीजल पर्टिकुलर फिल्टर में सूट ज़्यादा जमा हो जाता है, सूट होता है एक ब्लैक कलर का पाउडर, तो फिर ट्रक अपने आप ही उसको क्लीन करने लग जाता है और इसीलिए फिर वो थोड़ा सा क्योंकि उसको फ्यूल देता है ताकि वो अच्छे से बर्न होके और अच्छे से वो क्लीन हो जाए, तो इसलिए उसमें से थोड़ा सा धुआं निकलता होता है कभी कभी। पाल जी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अच्छा बना है। तो अभी सामान सारा रख लिया हमने, थोड़ी सी सफाई कर दे एंड देन वी आर डन। अब हम पहुंच गए हैं कॉस्को, यहाँ से हमने टायर चेंज करवाने और तब तक हम कर लेंगे ग्रोसरी। और ट्रैफिक देखो, मुझे नहीं लगता आज हमें पार्किंग मिलने वाली है। चलो पार्किंग तो मिल गई, अब आ गए हैं हम अंदर और हमारी 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो लेट्स सी। पिछली बार भी 150 कब थे? आई थिंक सो, क्योंकि वो चले हैं कम से कम 1-2 साल। इसमें देखो ये पैकेट्स हैं या फिर ऐसे ही किए हुए हैं, है या सही है? सही है ये मैं कहता हूँ। अच्छा पिछली बार स्टोरेज में भी हमें कैसे फीस रख रही पा रहे थे हमारा, हाँ ऐसे ठीक है। इसमें बंद आए हैं और एक निकाला और बाकी ऐसे ही रख दिया सारा। ये रहा पूजा, ये फाइनली आज लगता हम लगाएंगे 250-300। हाँ क्या कहती हो, बड़े दिन बाद लगने लगे इतने? नहीं 1200-1300 लगेंगे। हाँ टायरों पे तो भी लगा 1100-1100। हाँ तो ये देखो कमाई है तो खर्चे भी है। हाँ देखो ऐसे ऐसे जाते हैं ऐसे। कॉस्को के अंदर ऐसे ना जगह जगह पे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे आपको सैंपल्स खाने को मिल जाएंगे किसी भी चीज़ के, अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको फिर बाय कर सकते हो। और हमने शॉपिंग अपनी कर ली है और अभी हम हैं चेकआउट काउंटर पे, सारा सामान हम उस पर रखेंगे बेल्ट पे। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे पानी हो गया, पेपर टॉवल हो गए, टॉयलेट पेपर हो गए, इसको हमें ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही उसको स्कैन कर देते हैं, तो सिर्फ छोटा छोटा सामान ही हमने बेल्ट पे रखना होता है। तो गाड़ी के टायर हो गए चेंज, एक रह गया गाड़ी, पहले वो साइकिल स्टैंड होता था, दूर से दिख जाता था ना। हाँ ना, अब वो उतार दिया हमने क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो वो दिखाई नहीं देता, तो एक टायर नहीं चेंज कर पाए क्योंकि कहते वो लास्ट टाइम जिस बंदे ने टायर चेंज किए थे ना तो उन्होंने ज्यादा उसके नट उसके टाइट कर दिए, ना वो गन से खुल रहे हैं ना वो हाथ से खुल रहे हैं, तो वो भी हमको मतलब करवाना दोबारा से टोयोटा जाना पड़ेगा उसको करवाने के लिए। तो फिर वो एक टायर उन्होंने नहीं चेंज किया, तो हमने पूछा टोयोटा को अगर वो कर दे है ना, खर्चे पे खर्चा। और ये दिखाती हूँ जरा, नहीं थे पहले ट्रेड बढ़िया इसका। हाँ है ना, ट्रेड कितनी अच्छी है, ये ऑल वेदर है कि ऑल सीजन है? भला ऑल वेदर है,
ऑल वेदर टायर अच्छा लगा मुझे ना उधर या कितना है दे दे हो है ना हाँ या मिशेलिन के तो अभी ये दिखाती हूँ मैं ये ग्रोसरी देख लो भी आप सारे जने पहले ध्यान से देख लो इसको क्योंकि ये आई है $475 की मतलब क्या कहें हम पाल जी क्योंकि एक टायर पड़ा है ना मैं देखती हूँ रुको तभी सामान देखी जाओ भी आप सारे इतना का सामान आता है तो ये देख लो भी इतना सा सामान आपने देख लिया सारा खाने पीने वाला है सिर्फ महंगी चीजें मैं आपको बता दूं ये है $45 की और एक नीचे दवाई थी वो थी अराउंड $70 की वो भी अगर हमें निकाल देना तो सिर्फ $100 ही कम होता है तो हिसाब लगा लो इतना का सामान कनाडा में ऑलमोस्ट $500 का आया है और अभी यहाँ पैसे लगाए हैं और फिर आगे माथा टेकने जा रहे हैं और जगह एक पैसे लगाने सो ज्यादा ना धोकर जाएंगे वहाँ पे लेकिन टाइम बचा नहीं है अभी पहले टोयोटा जाएंगे और फिर हमने कुछ और शॉपिंग करनी तो ये देखो ऐसे दिन तो सारा ऐसे निकल जाएगा हमारा दिन शुरू नहीं हुआ $500 लग भी चुका है और पूरा 500 से भी ऊपर हो गया ये इसके जो वो लगवाए हैं नट लगवाए हैं $50 उसके बन गए चलो एनीवे क्या कर सकते हैं चलो तो ये फर्क होता है जब आप किसी अच्छी एजेंसी के पास जाते हो ना अपनी गाड़ी लेके धूप बड़ी चल गई तो उन्होंने टायर भी उसका निकाल दिया ये वाले दो थे तो वो उसने निकाल के कहते बड़ी मुश्किल से निकल गए और नए वाले लगा दिए और अच्छी बात ये है कि इन्होंने कोई उसका पैसा नहीं लिया मतलब जैसे ही मैंने उनको बोला ना कि ये वाला टायर है तो कहती हाँ हमने लास्ट टाइम उसी टायर पे वर्क किया था तो हो सकता है एंड शी डिडंट इवन चार्ज द टायर भी उन्होंने फ्री में डाल के दे दिया तो मजा आता है जब ऐसे चीजें होती है ना अच्छी अच्छी की आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं है ना पाल जी तो चले अभी आगे शॉपिंग करने चलो शॉपिंग का एक ही खर्चा करने शॉपिंग करने मत बोलो हम कैनेडियन टायर आए हैं और क्रिसमस की डेकोरेशंस लगा दी है उन्होंने देखो हाँ ये वाला लेना हमने देखो बीच में इसमें ये एक्सटेंशन भी आती है ये भी कुछ है ये किसके लिए है मैनुअल करना पड़ेगा सेम साइज लग रहा है हाँ ना बड़ा लग रहा है सही है फिर तो तो जो हमारे पास है वो चल तो रहा है ठीक से लेकिन उसे ना काफी टाइम हो गया है और जैसे कि फेस्टिवल सीजन आया तो मैंने कहा कि चलो मैडम को शॉपिंग करवा दूं नहीं तो इसलिए हम लेने आए हाँ उसका ना ये मैंने तोड़ दिया हाँ वो भी तोड़ दिया है वो मेरे से टूट गया और वो मेरे पैर पे 4-5 बार बज चुका हाँ तो इसीलिए मैं मैडम को शॉपिंग करवाने लाया हूँ कि चलो इसी बहाने शॉपिंग करवा देता हूँ आपको इसके पहले भी वो मेरे को खूनो खून करे नया वाला ले रहे हैं चलो फिर उठाए चलो दिवाली हैम्पर मेरा तो दिल कर रहा है पाल ऐसे ही ऊपर चले जाए हम अपने कमरे में नहा धो के बैठे क्योंकि तो अभी मैं ये सोच रही हूँ एक गाड़ी में से निकालना क्या है और छोड़ना क्या है पाल मत बजी पई सवेर दी और 3 बज गए हैं शक्लें देखो मरी 3 बज गए हैं और अब हम घर पहुंचे हैं एंटर होने लगे हैं हमने कितना अच्छा प्लान किया था 10:30 टायर चेंज होंगे 1.5 घंटा लगेगा तब तक शॉपिंग क्योंकि 12 बजे घर 12:00 to 3 बज गए चलो फिर करना पड़ेगा क्या करें जीवन है ठंडा आना तो पड़ेगा चलो फिर चलें चलो उठो दो चीजें मैं कहीं नहाने वाला सामान उठा लो बाकी छोड़ दो यहीं पे बाद में निकालते रहेंगे हाँ वो फ्रिज वाला सामान उठा लेते हैं साथ में ओके हाँ ना चलो चलो तो अभी फाइनली नहा धो के हम पूरा थक चुके हैं और बाहर आए हैं हम खाने क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम कुक कर सके
और क्योंकि हमने और भी काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि कल हमें सुबह फिर दोबारा से काम पे जाना है, और शाम को अभी फाइनली हम आए हैं फिल्म देखने। अल्ट्रा एवीएक्स में डी बॉक्स वाली सीट्स ली थी, मतलब जो शेक होती है ना साथ में, वो वाली ली थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। टाइगर 3 देखी हमने, अच्छी मूवी थी। तो अभी हम जाने लगे थे पूजा का पासपोर्ट अप्लाई करने, तो ये देखो हमने ना लाइक घर में ही प्रिंटर रखा है। जब मैंने हम दोनों ने अपनी फाइल अप्लाई की थी ना पीआर की, तो तभी हमने ले लिया था, क्योंकि कहते थे कि काफी बार होगा कि आपको ना बार 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 कोई पेपर चाहिए होगा, आप गलती कर दोगे फिर आपको लगेगा नहीं यार मुझे दोबारा करना था मुझे, तो इसलिए हम अपना ही ले आए थे। तो आज भाई दूसरा दिन हो गया स्टार्ट, आज हमने जाना है वापस काम पे, और कल का दिन तो पूछो मत भी कैसे निकला, मतलब ऐसे निकला जैसे हम ना बैटरी पे चलते हैं। जब से घर आए एक मिनट नहीं बैठ के देखा, कभी इधर कभी उधर। अभी सुबह के 3 बजे है ना, 3:30 बजे सोए हम, और 6:30 फिर से उठ के पासपोर्ट ऑफिस जाना था, वहां पे चले गए। तो अभी दोपहर हो चुकी है, 11:15 हो गए, तो दोबारा अभी ट्रक में जा रहे हैं अगला ट्रिप शुरू करने। हम तो ये सोच रहे थे कि हमने ट्रक से सामान क्यों निकाला कुछ किया ही नहीं, घर बैठे ही नहीं, घर बैठ के तो देखा ही नहीं हमने, चलो ट्रक से निकाला निकाला, गाड़ी से क्यों निकाला। तो अभी कुक करने का भी लग, ये वीक इतना बिजी, कुक करने का भी टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं 2-3 सब्जियां उठा लूंगी बाहर से, और फिर वो ब्रेड या ओट्स के साथ खा लूंगी। पाल जी के लिए तो एग एंड पनीर है ना जी। हाँ चलो लेट्स सी कब सोने को मिलता है हमें। तो फाइनली 1.5 दिन घर बिताने के बाद हम जा रहे हैं काम पे, और मैंने सामने ना हिसाब लगा रही थी, तो टायरों का तो चलो $1,000 $1,100 जो था वो लगना ही था ना, क्योंकि चलने वाली चीज है, 2-4 साल चलेंगे ना एटलीस्ट। उसके अलावा ट्रक ड्राइवर अगर घर आता है तो हमारे 1.5 दिन पाल पड़ा $1,028 में। इधर मुंह करके एक्सप्रेशन देना जरा। $1,028 में पड़ा है हमारा 1.5 दिन। उसमें पता क्या क्या है, सबसे पहले तो सुबह सुबह जो हमारा खर्चा हुआ $55 के, हमें वो बोल्ट्स डलवाने पड़े है ना, तो बाकी जो हमने टोयोटा ठीक करवा वो तो सारा सुरप हो गया फ्री। फिर हमारे पास क्योंकि टाइमिंग था, हमारे पास काम बहुत थे करने को, तो फिर हमने $55 लगाए बाहर खाने के लिए, क्योंकि घर गए नहा धो के फिर बाहर गए। उसके बाद फिर हमने सारा जो हमारा पेपर वर्क वगैरह करना था वो किया, और हमारा जो एयर फ्रायर आपने देखा वो लिया। फिर ग्रोसरी का खर्चा जो हम ग्रोसरी करके आए हैं, कॉस्को से सीधा $475 की ग्रोसरी हुई। उसके बाद जो पनीर वगैरह लेना था जो वहां से नहीं मिलता, या जो चीजें हम बल्क में नहीं लेते वो, तो जो पासपोर्ट हम अप्लाई किया मेरा, उसके $210 अलग से, क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ मतलब पिछले 36 आवर में कितने घंटे सोए हम पाल, आई थिंक 10 घंटे भी नहीं सोए होंगे मिला के, है ना। तो हिसाब लगा लो फिर सुबह वहां से, और घर ना होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, उसकी वजह से जो बाहर से रोटी खानी पड़ी, और इतने बिजी थे आप हिसाब लगा लो, लॉन्ड्री तक नहीं कर पाए हम, उसमें अभी $10-12 अलग 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 से लगेंगे, मतलब $US। पर वो हमें चलो मिल गया फ्री, तो उसके तो चलो हमें पॉइंट्स मिलते रहते हैं, तो फिल्में वगैरह हमारी फ्री हो जाती हैं, उस पे हमारे पैसे नहीं लगते क्योंकि हम कार्ड बहुत यूज करते हैं। तो ये था $1,000 में हमारा 1.5 दिन पड़ा पाल। तो ऐसा होता है, ये नहीं है कि मतलब हाँ तरक्की कमाई आती है, पर ये चीजें भी जाती हैं। अभी तो इंश्योरेंस गई है, फोन का बिल गया है $300-350 उसका बन गया होगा, पर वो तो चलो पूरे मंथ की चीज है ना, वो रेगुलर जाती है एवरी मंथ, तो उसको मैंने अभी काउंट नहीं किया, तो ऐसा होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कभी दिखाएंगे आपको कि हम अपने अगले रीसेट में क्या कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।